हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा की कथा और उसका व्रत। हिंदू संस्कृति में गुरु या शिक्षक को हमेशा भगवान के समान माना जाता है या भगवान का दर्जा दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा हमारे गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। यह संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है या वह जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। आषाढ़ के महीने में यह पूर्णिमा का दिन है। हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह वेद व्यास के जन्मदिन को भी याद करता है जिन्हें पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे सभी समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास को सम्मानित करती है जिन्हें प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक के रूप में माना जाता है। वेद व्यास ने चार वेदों की संरचना, महाभारत के महाकाव्य की रचना की, कई पुराणों और हिंदू पवित्र विधा के विशाल विश्वकोशों की नींव रखी। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु या मूल गुरु के रूप में सात ऋषियों को पढ़ाया था जो वेदों के दृष्टा थे। योग सूत्र में प्रणव या ओम के रूप में ईश्वर को योग का आदि गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जो इस पवित्र समय की शक्ति को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और यह वह दिन भी है जो महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक वेदव्यास के जन्म का स्मरण कराता है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत भी होता है। गुरु पूर्णिमा भारत और नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया जैसे अन्य देशों में भी मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का पालन करने के लिए हिंदुओं और बौद्धों में विभिन्न अनुष्ठान प्रचलित हैं। गुरु पूर्णिमा पर भक्त स्नान करते हैं और अपने गुरुओं को गुरुओं से प्रार्थना और श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले नए कपड़े पहनते हैं और वे अपने गुरुओं और शिक्षकों को दीक्षा भी देते हैं। वे अपने गुरुओं को याद करते हुए गुरु श्लोक का पाठ करते हैं जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दिन भक्त महर्षि व्यास की पूजा करते हैं और हिंदू संस्कृति में महागुरुओं के रूप में प्रतिष्ठित श्री माधवाचार्य, आदि शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य जी को प्रसाद भी देते हैं। लोग व्यास पूजा करते हैं और मंत्रों और भजनों का पाठ करते हैं। गुरु गीता एक पवित्र पाठ भी महागुरु की स्मृति में पढ़ा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग व्रत और कथा भी करते हैं और योग साधना और ध्यान भी करते हैं। यदि किसी के गुरु जीवित नहीं हैं तो वो उनका चित्र रखकर उनके चित्र की पूजा कर सकते हैं। गुरु की याद में मंत्रों का पाठ भी नियमानुसार किया जाता है।
गुरु पूर्णिमा पूजा और यज्ञ गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों और घरों में किया जाता है। शाम के समय व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा और आरती करनी होती है और उसके बाद वह व्रत तोड़ सकता है। इस दिन बौद्ध लोग भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं और उनके मंदिरों में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वे उपोस्थ नामक एक अनुष्ठान करते हैं और बुद्ध की 8 शिक्षाओं को सुनते हैं। कई भिक्षु इस शुभ दिन को ध्यान और तपस्या की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मानते हैं। पुजारियों और भिक्षुओं द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फूल, धूप, मोमबत्ती, प्रसाद, दूध, मिट्टी या दिए और पवित्र जल चढ़ाया जाता है। भक्त सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और प्रसाद के रूप में सेवा करने के लिए खीर तैयार करते हैं। उपवास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विशेष रूप से पूर्णिमा पर उपवास करने से शरीर और मन पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पूर्णिमा व्रत और उसके कथा के कुछ दूरगामी लाभों में शरीर के चयापचय को संतुलित करना, एसिड की मात्रा को नियंत्रित करना, सहन शक्ति को बढ़ाना और पाचन तंत्र को साफ करना शामिल है। उपवास से मन और शरीर को विश्राम का अवसर मिलता है। उस दिन की जाने वाली पूजा और प्रार्थना के साथ पूर्णिमा व्रत और कथा संपूर्ण मानव शरीर प्रणाली को तरोताज़ा और ऊर्जावान बनाता है और समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश स्वरूप कलावतार माना गया है। इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेदव्यास ऋषि जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेदव्यास ऋषि जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की उनको आज्ञा दे दी। उस समय वेदव्यास ऋषि जी के माता ने उनसे कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 पुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। तत्प्रय आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हरे कृष्णा।